वर्ल्ड विटिलिगो डे आज मनाया जा रहा है और सफेद दाग से कैसे बचा जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है। आपको बता दें, इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को सफेद दाग की बीमारी के बारे में जागरूक करना है। और इससे पहले विटिलिगो दिवस 2011 में मनाया गया था और उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने हर साल विश्व विटिलिगो दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर इस साल दिल्ली में एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नीतिका कोहली की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया गया और एक अत्यंत विशेष तरीके से वर्ल्ड विटिलिगो डे को विटिलिगो विकिंग्स फेस्टिवल के तौर पर मनाया गया, जिसमें सफेद दाग से पीड़ित मरीजों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वर्ल्ड विटिलिगो डे विश्व भर में मनाया जाता है, बट इंडिया का सबसे बड़ा जो समारोह है वो आज यहाँ हो रहा है। देश भर में कोने कोने से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जो मुझसे इलाज भी ले रहे हैं, बट उन्हें साथ साथ ये विश्वास है कि अगर हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे कि सफ़ेद दाग कम्युनिकेबल नहीं है, एक सोशल स्टिग्मा नहीं है, तो शायद उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। और उसी में ये मेरा एक प्रयास है कि लोगों को मैं सेम स्टेज दे सकूँ जहाँ पर हम लोग और वो लोग सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक मुझे अगले वर्ल्ड विटिलिगो डे तक जी तोड़ मेहनत करने का पूरा विटामिन सप्लीमेंट मिल गया है। लोगों का मनोबल बहुत बढ़ता है, लोगों को अपना इलाज कराना ईजी लगता है, उनको मेंटली एट पीस होते हैं। इलाज ना भी कराएं तो एटलीस्ट सोशल जो एक बहिष्कार फेस कर रहे होते हैं उसको फेस करना चाहते हैं। एक्चुअली लोगों को अभी भ्रांतियाँ हैं काफ़ी इस बीमारी के बारे में। कुछ तो ये है कि ये छुआछूत की बीमारी है और दूसरा लोगों की ये है कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, इसका कोई जड़ से इलाज नहीं है। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ घटना घटी हुई है, मेरा रिश्ता हो चुका था, एक साल तक रहा, एक साल के एन मौके पर, शादी के एन मौके पर 5 दिन पहले लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। तो मैंने उनसे काफ़ी बोला भी, मैं जहाँ कंसल्ट ले रहा हूँ वहाँ आप मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ऐसा कोई ओपन नहीं रखा और उन्होंने एंड टाइम पर रिश्ता तोड़ दिया। तो काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है अभी बीमारी के प्रति। मुझे 2012 में हुई थी ये बीमारी और इस बीमारी के कारण काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी बाकी क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रख जाती हैं। मेरे साथ जो सोशल स्टिग्मा हुआ है वो कुछ अजीब है, बहुत ही अजीब है और बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा। तो कभी अगर सही होने का मौका मिला डॉक्टर नीतिका मैम से तो आई वुड डेफिनेटली शेयर माय सक्सेस स्टोरी।